देखिए स्टूडेंट्स, आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अवकलन के बाद इस चैनल के माध्यम से हम आपको समाकलन बताएंगे। अवकलन तो हम बता चुके, अब हम समाकलन बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें सब में समाकलन करना है, हर सवाल में इंटीग्रेशन करना है, ये इंटीग्रेशन का साइन है। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं पहला, और आई के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि समाकलन इंटीग्रेशन होता है तो आई के बराबर मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे साइन 2x dx। अब साइन 2x dx का कैसे करेंगे, तो देखो इसमें 2x है, हम लिखेंगे माना 2x बराबर t, तो ये हो जाएगा 2dx बराबर t का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा dt। तो 2dx की जगह क्या रख देंगे, 2dx की जगह रख देंगे dt। माने अब dx का मान यहां से निकाल लो, 2dx इसमें है नहीं, तो dx का मान निकाल लो, dx बराबर आ जाएगा dt बटे 2। तो i बराबर जो हमारा सवाल बन गया वो हो गया sin t हो गया, और dx की जगह रख देंगे dt बटे 2। तो अब sin t का क्या होता है, sin t का बच्चों होता है cos t, काय का cos t होता है माइनस का होता है, और ये जो यहाँ एक मान के 1/2 ये आ गया, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस का 1/2 cos t। अब t का मान रखेंगे, प्लस में कांस्टेंट मान लेते हैं, t की वैल्यू क्या मानी थी, t किसके बराबर माना था 2x के, तो ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखें सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है cos 3x dx, तो इसमें हम क्या करेंगे, 3x को t मानेंगे, लिखेंगे माना 3x बराबर t, तो 3dx बराबर हो जाएगा dt, तो dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा dt बटे 3। तो i बराबर हो जाएगा cos t dt बटे 3, dx का मान रख देंगे, 1/3 ऐसे ही आ जाएगा, ये होता है साइन t के बराबर, 1/3 ऐसी रहा, साइन ऐसी रहा, t की वैल्यू रख देंगे 3x प्लस c, तो ये i इंटीग्रेशन का मान हो गया, इसका समाकलन हो गया। इसी प्रकार से दूसरा तीसरा क्वेश्चन करेंगे, तीसरा क्वेश्चन है i बराबर e की पावर 2x dx, इसमें लिखेंगे माना 2x बराबर t, तो 2dx बराबर हो जाएगा dt, तो dx बराबर dt बाई 2 हो जाएगा, dt बाई 2, i बराबर हो जाएगा et, क्योंकि इसको t माना है, और dt बाई 2, et का et ही रहेगा, et का तो et ही होता है, बदलता नहीं है, t की वैल्यू रख देंगे 2x, तो ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर किस तरह से करें, तो लिखेंगे माना ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर टी, तो इसके बराबर टी मान लेंगे, ये जो टर्म्स है ए एक्स प्लस बी, इसको टी मान लेंगे, तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा एक्स का वन हो जाएगा, तो ए डी एक्स हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, तो ए डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बाई ए, तो आई बराबर फार्मूला बन जाएगा टी स्क्वायर, क्वेश्चन बन जाएगा टी स्क्वायर डी टी बाई ए, इसका एक पावर बढ़ जाती है तो टी की पावर 2 है, एक बढ़ जाएगी 3 हो जाएगा, जितनी पावर होती है वही नीचे आता है, ए पहले से नीचे है, t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू है ax प्लस बी, इसकी पावर 3 हो जाएगी और नीचे हो जाएगा 3a प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन बताया, और भी एक क्वेश्चन अभी हो जाएगा, ये वाला बताते हैं, पांचवा क्वेश्चन बताते हैं, साइन 2x माइनस 4e 3x, पांचवा क्वेश्चन है साइन 2x माइनस साइन 2x माइनस ई 4e 3x, 4e 3x है, इसको कैसे करें, तो सबसे पहले लिखेंगे माना
टू एक्स बराबर u मान लेंगे तो 2dx बराबर हो जाएगा du, तो dx बराबर हो जाएगा du बटे 2। ऐसे ही 3x को मान लेंगे b, तो ये हो जाएगा 3dx बराबर db, तो dx बराबर हो जाएगा db अपॉन 3। तो दो सवाल बन गए, इधर हमने माना है u, इधर माना है b, तो i बराबर क्वेश्चन बन गया साइन t, साइन u बन गया साइन u, और साथ में हो जाएगा du by 2 माइनस। अगला सवाल बन गया e b, और हो जाएगा db by 3, साइन u का हो जाएगा cos u by 2, इसका हो जाएगा 4/3 ऐसे ही रहेगा, इसका हो जाएगा eb प्लस c, वैल्यू रख देंगे cos u की वैल्यू रख देंगे 2x, b की वैल्यू रख देंगे 3x और प्लस c, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 4e3x -1 dx, तो इसका हो जाएगा, दो क्वेश्चन बना लेंगे, 4e3x लिख देंगे -1 dx लिख देंगे, तो इसका बच्चों हो जाएगा 4/3, ये 3 यहाँ से आएगा और e3x रहेगा, इसका हो जाएगा बच्चों x प्लस सी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है x स्क्वायर 1 - 1/x स्क्वायर, क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर गुणा कर देंगे, तो जाएगा x स्क्वायर और x स्क्वायर के अंदर गुणा करेंगे तो जाएगा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे कि ये कट जाएगा ये वाला, तो x स्क्वायर - 1, ये छोटा सा क्वेश्चन बन गया, इसकी गुणा इसमें की ये आ गया, इसकी गुणा इसमें की तो 1 हो गया। अब जब इसका करेंगे तो किस तरह से करेंगे, इसका हो जाएगा x³/3 और इसका हो जाएगा x और प्लस c, कांस्टेंट लगा दिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, 8 में लिखा है i = ax² + bx + c, तो इसमें कितने सवाल हैं, 3 हैं, तो सबसे पहला हो जाएगा ax² dx, दूसरा हो जाएगा bx dx, तीसरा हो जाएगा cdx। इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा ax³/3, क्योंकि पावर 1 बढ़ जाएगी, इसी प्रकार से इसकी यहाँ पर पावर 1 है तो 1 बढ़ जाएगी, तो हो जाएगा bx² / 2, ये हो जाएगा c, और c का होगा नहीं यहाँ dx का हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ 1 है, तो ये क्वेश्चन हो गया। और एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो कांस्टेंट हमने इस बार ले लिया k, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, k इसलिए लिया क्योंकि c यहाँ यूज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन है बच्चों 2x² + ex dx, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए दो क्वेश्चन बना लेंगे 2x² dx + ex dx, ये हो जाएगा 2x³/3, एक पावर बढ़ जाएगी वही नीचे आ जाएगी, और इसका हो जाएगा ex, इसका तो होता ही नहीं है चेंज, और ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है i = √x - √x - 1/√x की पावर 2 dx, कैसे करें, दो क्वेश्चन बना लो, इसको होल स्क्वायर से खोल दो, तो होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये हो जाएगा x, माइनस हो जाएगा 1/x और माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा 2a² + b² - 2ab, तो ये हमने होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको खोल दिया,
इसका करेंगे, इसको और टुकड़ों में चेंज कर लो, तो एक्स डी एक्स एक क्वेश्चन बन गया, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स है, इसका लॉग एक्स हो जाएगा, वन अपॉन एक्स है, यहाँ लिख दो वन अपॉन एक्स डी एक्स, एक क्वेश्चन बन गया। अगला क्या बन गया, अगला बन गया टू डी एक्स। अब देखिए इसकी पावर एक है तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लॉग एक्स, ये फार्मूला होता है, लॉग एक्स होता है इसका, और माइनस का इसका हो जाएगा टू एक्स और प्लस सी। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर, किस तरह से इसको इंटीग्रेट करें, देखिए तरीका देखें। सबसे पहले इससे इसे भाग करेंगे तो यहाँ एक्स बचेगा, इससे इसको भाग करेंगे तो यहाँ फाइव बचेगा, इससे इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा फोर एक्स की पावर माइनस टू, ये एक्स की पावर एक है, एक बढ़ जाएगी तो टू अपॉन टू, ये हो जाएगा फाइव एक्स, ये हो जाएगा फोर एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस वन, और ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से इंटीग्रेशन बहुत आसान है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और बताएंगे। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, इलेवन के बाद ट्वेल्व क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखें क्या है, आई इक्वल टू क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन रूट एक्स, किस तरह से इस क्वेश्चन को करें, तो देखिए हमने क्या करा, इसको इससे इसको भाग किया, जब भाग करेंगे तो यहाँ पर पावर थ्री है, यहाँ पर हाफ है, तो बचेगी फाइव अपॉन टू, एक्स की पावर बचेगी फाइव अपॉन टू, थ्री में से हाफ घटा दिया। इसी प्रकार से बच्चों, जब हम इधर इसको भाग करेंगे तो यहाँ वन पावर है और यहाँ हाफ है, रूट एक्स का मतलब हाफ पावर, तो हाफ बचेगी, तो हमारे पास बचेगा थ्री एक्स हाफ, एक क्वेश्चन ये बन गया। प्लस जब इसको भाग करेंगे तो ये भाग नहीं कर पाएंगे, तो हो जाएगा फोर एक्स माइनस हाफ, क्योंकि ये प्लस हाफ है, ऊपर जाएगा माइनस हाफ। अब हम हल कैसे करें, तो इसमें वन ऐड कर देंगे तो एक्स की पावर हो जाएगा फाइव अपॉन टू प्लस वन, और ये जो जुड़ के आएगा वही नीचे आएगा, तो दो एकम दो पांच और दो सात, सात बटे दो प्लस ये हो जाएगा थ्री एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, वन ऐड करेंगे तो हो जाएगा थ्री बाई टू, और थ्री बाई टू यहाँ आएगा। इसी प्रकार से बच्चों ये हो जाएगा फोर, और इसकी पावर में वन ऐड करेंगे तो हो जाएगा फोर एक्स की पावर हाफ, जब वन ऐड करेंगे तो हाफ हो जाएगा, और बच्चों ये हाफ ही नीचे आएगा। अब आप क्या कर सकते हो, आप इसको एक लाइन में और चेंज कर सकते हो, टू ऊपर चला जाएगा तो टू एक्स, टू एक्स या टू बाई सेवन हो जाएगा, इसको पलट के लिख सकते हो टू बाई सेवन एक्स की पावर सेवन अपॉन टू, इसको लिख सकते हो टू बाई थ्री, टू बाई थ्री और थ्री एक्स थ्री बाई टू, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो फोर से इंट का इंटू कर दो, एट हो जाएगा, ये चार दुनिया आठ हो गया, और ये इसका मतलब होता है रूट एक्स। इसको और अच्छा कैसे कर सकते हो, ये काट दो तो ये हो जाएगा टू अपॉन सेवन एक्स की पावर सेवन बाई टू प्लस टू एक्स थ्री बाई टू प्लस एट रूट एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। थैंक यू स्टूडेंट्स।